प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष शीघ्र विवाह हेतु एक चमत्कारिक और सबसे अचूक उपाय को लेकर। इस उपाय को आप में से कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है और इसके परिणाम के स्वरूप आपको शीघ्र ही सुयोग्य वर या वधु की प्राप्ति होगी। अगर आप भी किसी भी प्रकार से अपने धन को अपने समय को शीघ्र विवाह करवाने के लिए लगा चुके हैं और अभी तक आपको परिणाम नहीं मिला है तो आपको आज का यह उपाय अवश्य से करना चाहिए। इसे करने से आपको ना ही कोई भागदौड़ करनी पड़ेगी बल्कि इसका परिणाम यह निकलेगा कि आपको घर बैठे ही रिश्ता प्राप्त हो जाएगा और जो भी परेशानी आपके विवाह में आ रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। यह अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है। इसे लड़का या लड़की स्वयं भी कर सकते हैं और अगर माता पिता में से या फिर बहन या भाई में से कोई किसी के लिए करना चाहे, अपनी संतान के लिए, अपने छोटे या बड़े भाई के लिए या बहन के लिए कोई करना चाहे तो आसानी से करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए आपको यह उपाय ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखते रहे। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। अब आइए ज़्यादा विलंब ना करते हुए आपको मैं वह दिव्य और अचूक उपाय बताता हूँ। इसके लिए आपको एक प्रमुख चीज की आवश्यकता पड़ेगी। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सी वस्तु है और वह है आपकी जन्म की तिथि। अब तिथि का अर्थ है हिंदू जो तिथि आती है उसके अनुसार। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लेना है, केवल हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन जो तिथि आई है वह आपको लेना है। जैसे किसी का जन्म नवमी के दिन होता है, किसी का दिन पंचमी के दिन होता है, इसी प्रकार जो 16 तिथियां है उनमें से आपको जो आपकी जन्म की तिथि हो वह लेना है। यह आसानी से आप अपने जन्म की तारीख के अनुसार भी निकाल सकते हैं। और अगर कई बार देखने में आता है कि घर की जो माताएं होती है उन्हें जन्म की तारीख याद नहीं रहती, वह तिथियां ही याद रखती है कि इस तिथि को तुम्हारा जन्म हुआ था, पंचमी को हुआ था या नवमी को हुआ था। इसी प्रकार आप यह देख लीजिए कि आपका जो जन्म है वह किस तिथि को हुआ है। आप यह देख लीजिए और उसी तिथि से आपको एक उपाय प्रारंभ करना है। अब मान लीजिए किसी का जन्म दूज को हुआ है तो जब भी महीने में दूज आएंगी उस दिन से आपको यह उपाय करना है। अगर किसी का एकादशी के दिन जन्म हुआ है तो आपको एकादशी से ही यह उपाय प्रारंभ करना है। और इसके लिए आपको यह विचार नहीं करना है कि शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का, क्योंकि 1 से लेकर 14 तक की जो तिथियां है वह तो 2 बार आ जाती है, लेकिन पूर्णिमा हो या अमावस्या हो तो आपको उसी दिन से यह उपाय प्रारंभ करना है। अब आपको क्या करना है कि आपने सर्वप्रथम अपने जन्म की तिथि निकाल ली। अब क्या करें कि उस दिन जिस दिन आपकी जन्म की तिथि आ रही है उसी दिन, अर्थात जैसे पंचमी को जन्म हुआ है तो जब भी पंचमी आ रही हो आप किसी भी पंचमी से यह उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। क्या करना है, पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर आपको एक मंत्र या एक पाठ का जाप करना है। वह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आप उसे उसका जाप करिए, आपको लाभ मिलेगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, जब आपका जन्म जिस तिथि को हुआ है उसी तिथि से आपको यह उपाय प्रारंभ करना है और उस दिन जिस दिन भी यह तिथि आ रही हो उसी दिन आपको जल्दी स्नान आदि करने के बाद एक मंत्र करना है या कह सकते हैं एक पाठ को पढ़ना है। बस इतना ही करना है। अब वह पाठ कौन सा है वह मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करें कि यह जो पाठ है इसे आप संस्कृत में ही कर सके। मुश्किल लगता है फिर भी कोशिश करें, धीरे धीरे ही सही
लेकिन पढ़ने की आदत डाल ले। क्या करे कि आप जो भी तिथि आती है उस दिन सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और कितने दिन करना है यह भी बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है कि जिस दिन भी आपका जन्म हुआ हो उस तिथि को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, और ऐसा लगातार 9 दिन करना है। जिस दिन भी आपकी तिथि आती है उसी से गिनते हुए अगले 9 दिनों तक आपको इसका पाठ करना है, और प्रतिदिन सुबह 1 बार करना है। सिर्फ इतना सा प्रयोग है, आप इसे करके देखें। माता पिता भी अगर कोई करना चाहे या अन्य भी कोई करना चाहे तो वह भी कर सकते हैं। इसका शीघ्र ही आपको लाभ मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से घर बैठे रिश्ते आ रहे हैं और जो भी परेशानियां थी वह दूर हो रही है। तो इसीलिए मेरी भी आप सभी से यही मनोकामना है, ईश्वर से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आपके लड़के के, लड़की के या आपके स्वयं के जिसके भी विवाह में विलंब हो रहा हो वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए, और ईश्वर उन्हें सुयोग्य वर या वधु की प्राप्ति करवाए। तो इसलिए आप भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखें, निश्चित ही आपका शीघ्र विवाह तय हो जाएगा और जो परेशानियां थी वह दूर हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।